ग्रेटर नोएडा में अजीबोगरीब और दुखद घटना हुई है। बता दें, एलएलबी का एक स्टूडेंट यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर यमुना गौर सिटी के समीप बने नाले में गिर गया। नाले में डूबने से छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि छात्र सोमवार शाम 6 बजे लापता था और परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी, तभी से पुलिस उसे तलाश कर रही थी। मंगलवार की शाम उसका शव नाले से बरामद हुआ है। बता दें, मृतक छात्र दीपराज और नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी में एलएलबी का छात्र था। सामान्य दिनों की तरह वो सोमवार को कॉलेज गया, लेकिन वापस लौटते समय शाम 6 बजे अचानक गायब हो गया। सोमवार की शाम छात्र के गुम होने की शिकायत पिता ने रघुपुरा कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस खोजबीन में जुटी थी, तभी दोपहर बाद छात्र का स्कूल बैग दनकौर कोतवाली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड के पास करीब 15 फुट गहरे नाले में मिला। तलाश करने पर छात्र का शव नाले से बरामद किया गया। पुलिस ने शव का शिनाख्त करने के बाद पंचनामा भरवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।